नमस्कार, यहाया इब्राहिम नीमका ने दुबई में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया। इस वक्त आप डीटीवी न्यूज पर यह खबर देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा, दुबई कैपिटल्स वर्सेस शारजा वॉरियर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इंटरनेशनल लीग T20 2024 का 14वां मैच 29 जनवरी को शारजा क्रिकेट स्टेडियम दुबई में 8:30 बजे शुरू हुआ। दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला लिया। बैटिंग कर 18 ओवर 2 बॉल पर 104 रन बनाए। उसके बाद शारजा वॉरियर्स ने 13 ओवर 1 बॉल में 1 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाकर मैच जीत लिया। मैच का प्लेयर ऑफ द मैच महज तिक्षणा को यहाया इब्राहिम ने अपने हाथों से $1500 एक अवार्ड दिया। हम आपको बता दें कि महज दक्षिणा ने 4 ओवर करके 20 रन देकर प्लेयर ऑफ द मैच अपने नाम किया। यहाँ इब्राहिम ने इससे पहले भी IPL 2023 में T20 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच टॉस कराया और आज फिर दुबई में इंटरनेशनल लीग खेला गया। हम आपको बता दें, मैच का प्लेयर ऑफ द मैच महज तिक्षणा को अपने हाथों से अवार्ड के तौर पर $1500 का चेक देकर मेवात का नाम रोशन किया। अब मेवात का नाम दुबई में भी गूंज रहा है। यह इब्राहिम नीमका जो है वो क्रिकेट के दुनिया में यूट्यूब टेलीग्राम सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर छाया हुआ है। यह इब्राहिम नीमका दान करने में भी कभी कमी नहीं करते। 2024 के 26 जनवरी को इस्लामिक मदरसा सिकराओं में 1.5 लाख रुपये उन्होंने दान किया। इससे पहले वो दुबई में एक अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं और यह इब्राहिम मेवात के बढ़ते हुए सितारों में से एक हैं। यह इब्राहिम देश के वो सितारे हैं जो दुबई में भी अपना नाम रोशन करें। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें डीटीवी। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद।